सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू फील लाइक इट, ऑफ कोर्स. अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें. दैट्स ऑल दैट आई कैन से एट द मोमेंट. विद अस आवर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम द महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, फ्रॉम माय फेवरेट पॉलिटिशियन मिस्टर राज ठाकरे पार्टी, मिस्टर हेमंत कांबळे. हेमंत कांबळे साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी. नमस्कार प्रदीप जी. हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. Thank you so much, sir. Just released from the police custody. Just come out from police station. Congratulations, sir. Congratulations. इनका संघर्ष में मानना पड़ेगा सर. सर मानना पड़ेगा. ये कौन सा तमगा है वैसे आपको? ये आपको पता नहीं ऐसे कितने मेडल मिल चुके हैं? आपको याद है कि कितने मेडल इतने मिले हैं आपको? ये जो लोगों के लिए संघर्ष करने में, पुलिस कस्टडी से निकलने में, मतलब कितनी ये कौन सा का अवसर है ये जो आप पुलिस कस्टडी से बाहर आए? नहीं, ये जुनून है. हम सोसाइटी के लिए या समाज के लिए या हमारे लोगों के लिए, उनके हक के लिए हम जो लड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी लड़ाई है. मतलब हमारी पार्टी की लड़ाई, लेकिन मेरी इंडिविजुअल भी लड़ाई है कि जब कोई पब्लिक न्यूसेंस होता है या सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम होते तो हमें इसमें लीड करना चाहिए. और देखिए, इंसिडेंटली आज जो टोल नाका का जो मुद्दा है जी, उस पर जब सर देवेंद्र फडणवीस ने कल स्टेटमेंट दिया था कि फोर व्हीलर्स जो पर्सनल व्हीकल्स है हमारे, उसके लिए हमें कोई टोल हमने माफ कर दिया है. और जितने मल्टी एक्सल और कमर्शियल व्हीकल है उसके ही टोल लिए जाते हैं. जो भी जो ये प्राइवेट व्हीकल्स है, जब जैसे हमारी कार है, फिर एसयूवी हो या छोटी सेडान हो, हैचबैक हो, तो ये सब का जो टोल का पैसा है वो महाराष्ट्र सरकार के किटी से जाता है या वो एडजस्ट होगा. लेकिन ये स्टेटमेंट गलत था. और वही चेक करने हम टोल नाका पर गए थे कि भाई ये जो टोल है लेते हैं या नहीं. लेकिन वहाँ पर फास्टैग से लोगों के अकाउंट से जो टोल की अमाउंट कट रही थी, तो उसके बाद पुलिस ने हमें डिटेन किया. लेकिन हमने कल लेटर तो ड्राफ्ट करके रखा है, कल डिस्पैच करेंगे कि अगर देवेंद्र फडणवीस एक जो जिम्मेदार डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, और जिस तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट किया है, तो हमने मांग की है कि आईपीसी 420 के तहत उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए. तो विच वाज द टोल नाका सर एंड विच पुलिस स्टेशन? दहिसर टोल नाका. दहिसर टोल नाका. ओके, दैट्स वन ऑफ द बिजीएस्ट टोल नाकास. यस, वन ऑफ द बिजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट how shall I put it, one of the most irritating places to cross. Yeah. बड़ी annoying सी जगह है वो. मतलब जो आप लोग अगर दहिसर टोल नाका से जा चुके हैं तो बड़ा अजीब और गरीब है कि कहाँ पर आपको टोल देना है, किधर आदमी खड़ा है, क्या है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है. You have to go left, you have to go right. Huge. अजीब है. Huge. Serpentine huge there. And it's terrible, absolutely terrible. तो मतलब वो क्रॉस करने में, इधर आने में और फिर उधर जाने में जितना मैं कहता हूँ, चलो पैसे की तो बात है ही हेमंत कांबळे साहब, जो नर्वस टेंशन आदमी की बढ़ती है, जो स्ट्रेस आदमी का बढ़ता है, वो अलग है. इट्स एब्सोल्युटली टेरिबल. एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड आई स्टिल रिमेंबर, वहीं दहिसर टोल नाका पे बहुत साल पहले आप, बाकी सब लोग, मतलब आप लोगों ने, शालिनी ठाकरे जी सब लोग थे वहां पे, आप सब लोगों ने इतना बड़ा एक आंदोलन जारी किया था वहां पे, मुझे याद है. वी हैड कैरीड इट लाइव, आई स्टिल रिमेंबर. उसके बाद शायद कोई 65 के करीब टोल नाका बंद हुए थे पूरे महाराष्ट्र में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. और अभी भी आपको वही चीज करनी पड़ रही है हेमंत कांबळे साहब. राजीव जी, 2020 जून 2012 से लेकर 20 जुलाई 2012, एक महीने में हमारे तीन शिफ्ट में कार्यकर्ता बैठे थे, और तीन शिफ्ट में हमने कितनी व्हीकल्स मुंबई के बाहर जाते हैं, कितनी व्हीकल्स मुंबई के अंदर आती है, वो व्हीकल से गिनती की थी. और उसका एक स्टेटमेंट पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने पेश किया था कि आपने कितना टोल अब तक वसूला है, तो इसके लिए आप स्क्रीन देखिए. थोड़े दिन के लिए उन्होंने स्क्रीन लगा दिए. अब ये मुंबई का जो टोल है वो किस लिए वसूला जाता है? करीबन 27 जो मुंबई एंट्री पॉइंट है उसे, 27 जो फ्लाईओवर्स बनाए हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी देखरेख के लिए ये पैसे मिलते हैं या उनको टोल लेने की इजाजत है. जब आप 27 जितने भी फ्लाईओवर्स आप देखिए किस तरह से मेंटेन है, हर जगह पे आप जैसे टोल नाका छोड़िए, आप आइए नेशनल पार्क पर गए साल, गड्ढे की वजह से
एक हस्बैंड और वाइफ दोनों ऑन द स्पॉट खत्म हो गया जी। आप अगर आगे आइए तो जितने भी फ्लाईओवर्स है या रास्ते हैं उसकी अगर मरम्मत नहीं होती, वो ठीक से उनकी देखरेख नहीं होती, उसका मेंटेनेंस नहीं होता, किस लिए आप उसका ये टोल वसूल कर रहे हो? और करीबन अब 17 से 18 साल हो गए टोल की वसूली। अब जब आप उसके लिए कोई फैसिलिटी ना तो आप एम्बुलेंस सेवा दे रहे हो, ना आप टोविंग वैन है, ना वहां पर इन्फेंट बेबी के लिए बेबी फीडिंग रूम, जो ये सब रूल्स में है वहां पर कोई सुविधा नहीं। यार 1 अगस्त 2023 को हमने इसी तरह का आंदोलन किया था जिस दिन मोदी जी पुणे में आए थे, उस दिन भी हमें अरेस्ट किया गया था। अब देखिए कि जो मांगे हमने तब रखी थी उसका कोई जवाब ना तो एमएसआरडी से आया है, ना तो मुंबई एंट्री पॉइंट से आया, और उसके बावजूद पूरे महाराष्ट्र में जब आप जिस तरह के टोल के फेयर्स में बढ़ा रहे हो, बढ़ोतरी कर रहे हो, और उसके आंदोलन के बाद फडणवीस जैसे जिम्मेदार डिप्टी सीएम इस तरह का वक्तव्य करें कि हमने जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनको टोल माफ कर दिया है। तो राज साहब ने कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज भी इन सब के वीडियोस दिखाए थे। फिर एकनाथ शिंदे जी ने जब वो अपोजिशन में थे तो उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया था, वो रिट पिटीशन आपने पीछे क्यों लिया? उसका कोई मसला तो सॉल्व नहीं हुआ। फिर आप बन गए मिनिस्टर और उनके पास ही वो पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री थी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास। सो व्हाई वर यू डिटेन सर? व्हाई डिड द पुलिस डिटेन यू? फॉर व्हाट? दे कांट डिटेन यू बिकॉज़ यू हैड गॉन देयर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। या वी वर देयर फॉर टू चेक वेदर दे आर टेकिंग टोल और नॉट, एंड टोल वाज टेकन बाय दिस टोल प्लाजा सर्वर एट दहिसर। तो उन्होंने जो टोल, तो हमने उनसे यही पूछा कि भाई आपको तो उन्होंने हमें हमारे पास कोई जीआर पहुंचा नहीं है, कोई ऑर्डर पहुंची नहीं है, तो हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी का हमने वीडियो देखा है, लेकिन हमारे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जब हमें ऐसे ऑर्डर आएंगे कि आप प्राइवेट व्हीकल्स को टोल चार्ज मत करें, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस ने फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू से जो सिचुएशन है इसके लिए कंट्रोल करने के लिए फिर हमें हिरासत में लिया था, फिर हम वहां पर। हेमंत जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राज साहब ठाकरे जी ने कहा कि ये टोल जो कलेक्ट कर रहे हैं कौन से फंड में जा रहे हैं, और आप लोग ने राज साहब ठाकरे जी के बात पे सुन के टोल नाका में जाके चेक करने लगे, आप लोगों को विरोध दिखाने लगे कि देखो देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि आपको टोल भरना नहीं है, टोल प्लाजा में हम लोग देखे कि आप लोगों ने वो टोल प्लाजा का जो है ब्लॉकेजेस निकाल के लोगों को बोल रहे थे कि आप चले जाओ, और पुलिस फोर्सफुली आपको हिरासत में लिया। नाउ इफ इट इज इलीगल टू यू नो कलेक्ट टोल्स, वेयर इज द फंड गोइंग? बिकॉज राज साहब ने शायद ये भी बोला है कि ये फंड जहां का आ रहा है, वेयर इज दिस फंड गोइंग? हु इज एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस मनी दैट इज बीइंग कलेक्टेड? कामरे साहब, yeah, this is the exactly this question is exactly asked by Mr. Raj Thackeray. कि हम यही पूछना चाहते हैं कि हम जब व्हीकल खरीदते, आप खरीदते हो, राजू जी खरीदते, मैं खरीदते हो, कोई भी खरीदता है कोई व्हीकल, आप नई गाड़ी लेते हो तो उसका रोड टैक्स तो पहले ही पे कर चुके हो, उसके बावजूद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, सरकार हो, हमारे पास से कई तरह के टोल वसूलते हैं, तो ये पैसे की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टोल कितना वसूल किया गया है अब तक? देखिए 2002 में या 2004 में जब ये टोल वसूलना शुरू हो गया तब मुंबई की व्हीकल्स कितनी थी, और आज 20-22 सालों में व्हीकल्स की संख्या कितनी बढ़ गई, तो टोल भी उसी अंदाज में वसूला गया है। तो मुझे लगता है इसकी अकाउंटेबिलिटी न देने के कारण ये टोल के पैसे किसके खाते में जाते हैं, कौन से मंत्रियों को इसका जो इसके टेंडर्स मिले हैं या इसके कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसके अगर ये इंफॉर्मेशन अगर बाहर जाए तो ये टोल का झोल जो है वो सब बाहर आ जाएगा। आज कौन सी पार्टी नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अपने 2014 के इसमें दिया था कि भाई हम टोल मुक्त महाराष्ट्र करेंगे, 2019 में भी वही कहा था। ये सभी पार्टियां जो अभी पावर में है, कांग्रेस राष्ट्रवादी हो, शिवसेना के दोनों गुट हो, या राष्ट्रवादी के दोनों गुट हो, या भारतीय जनता पार्टी, पर जनता पार्टी तो सबसे आगे थी कि टोल मुक्त महाराष्ट्र करेंगे। लेकिन हेमंत कामरे जी ये बताएं, हेमंत कामरे जी ये बताएं, आई एम स्लाइटली कंफ्यूज्ड ऑन दिस, कि जो टोल प्लाजास हैं, आई बिलीव अर्लियर दे हैड ऑक्शन देम ऑफ टू सम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, यस, आर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स स्टिल रनिंग देम? सो आर दीज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, क्या ये कुछ रेशियो
इस पैसे की सरकार को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या जो उनका इनिशियल अमाउंट था दैट इज बीइंग कंसीडर्ड अ फिक्स्ड अमाउंट गिवन बाय द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, ये हिसाब किताब क्या है सर? नहीं, इसका इसका इस हिसाब किताब को हम भी नहीं समझ पा रहे अब तक, क्योंकि देखिए जो ये पीपीपी मॉडल था या ये बीयूटी मॉडल लेके आए थे, बिल्ड यूज एंड ट्रांसफर जी, ये सब मॉडल्स तो सब बीजेपी की तरफ से ही आए थे। नितिन गडकरी जी ने ये जो इनका एक सपना था मुंबई पुणे हाईवे एक्सप्रेसवे, फिर मुंबई वर्ली बांद्रा सीलिंग, या फिर मुंबई के 55 फ्लाईओवर, 55 की तो मुझे गिनती समझ भी नहीं आती। 55 नहीं है सर, मैं काउंट करने आपके बोलने कम सर, आपके बोलने के बाद मैंने भी काउंट करने की कोशिश की, नहीं मिले सर। बाकी सर, बाकी मुझे तो लगता है कि 10 जरा ज्यादा है या 11 ज्यादा है, मतलब वो कहाँ है वो जो घोस्ट फ्लाईओवर है, कहाँ है वो मुझे समझ नहीं आ, वही तो ढूंढने की कोशिश है। और यही अकाउंटेबिलिटी के लिए हम पिछले एक महीने से इस पर स्टडी कर रहे हैं जी। भाई ये 27 मेरे हमें जो राइटिंग में जवाब मिला है एमईपी की तरफ से, मुंबई एंट्री पॉइंट कंपनी की तरफ से, उनका कहना है कि हम 27 फ्लाईओवर्स मुंबई के मेंटेन करते हैं जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के या उस साइड से है, सेंट्रल से है, ईस्टर्न एक्सप्रेस से। तो 27 जो है फ्लाईओवर्स वो कहाँ पर मेंटेन है? आप चलिए एक बार आप हम ज्वाइंट विजिट करते हैं राजीव जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हालत क्या है। अब देखिए हर जगह पर मेट्रो के काम शुरू है, हर जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम शुरू, तो रेडी में इसके जितने भी हेवी व्हीकल्स है उसकी वजह से रास्तों की तो हालत खराब है, लेकिन फ्लाईओवर्स की भी हालत खराब है जी। इतने डेंजरस है कि आप वहां पर ट्रायल नहीं कर सकते। टू व्हीलर्स वालों की तो हालत खराब है, मतलब वो डेंजर, मुझे तो मैं अपनी टू व्हीलर्स लेके जाना जाने के लिए डरता हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ वहां पर। अगर मुझे इमरजेंसी में टू व्हीलर लेकर, मैंने 2 महीने से टू व्हीलर को हाथ नहीं लगाया, इतनी दहशत है कि रास्ते पर आप ठीक से चल नहीं पाते तो गाड़ी चलाना तो मुश्किल। और उसके बावजूद जिस तरह में टोल की बढ़ोतरी हो, टोल के चार्जेस में बढ़ोतरी, तो मुझे समझ भी नहीं आता कि ये किस मतलब किस सर बात के लिए वसूल। हेमंत कांबले साहब, वो यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसी का एक कंटिन्यूएशन है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दहीसर चेकनाका पर आप थे, दहीसर टोल प्लाजा पर, वहां पर आप पहले भी जा चुके हैं, 2-3 बार पहले भी आप अरेस्ट हो चुके हैं, आप ये बताएं सर वहां पर आपने क्या फैसिलिटीज देखी जिसकी वजह से टोल बढ़ाई गई है, टोल ली गई है? क्या वहां पर, जैसा आपने कहा नर्सिंग स्टेशन है, नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ, डिस्पेंसरी है वहां पे, क्या वहां पर अलग फैसिलिटीज जो प्रोवाइड होती हैं वो है? क्या अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी हो गई या कोई टो अवे व्हीकल होना चाहिए, या मान लीजिए किसी को अगर कोई फर्स्ट एड किट की जरूरत है, वो सब चीजें हैं वहां पे क्या सर? रिसर्च चेकना का देखिए सर, उनका कहना है कि ऐसी कोई सिचुएशन आते हैं तो हम टोविंग वैन बुलाते हैं, अगर कोई इंजर्ड होता है तो एम्बुलेंस बुलाते हैं। अब देखिए फर्स्ट एड आप क्या रखोगे, बैंडेज? कोई मतलब वहां पर दौड़ते दौड़ते गिरता नहीं है, कोई एक्सीडेंट मेजर फैटल एक्सीडेंट होता है तो आपको फर्स्ट एड की जरूरत नहीं है, वहां पर प्रॉपर एक आपका मेडिकल एक रूम होना चाहिए, वहां पर डॉक्टर्स होने चाहिए। अपने करोड़ों के तादाद में आप जब टोल वसूल रहे हो तो आपको फैसिलिटी देने में क्या प्रॉब्लम है? लाइक अ प्रॉपर इमरजेंसी रूम, यस ऑफ कोर्स। इन्फेंट बेबीज को अगर ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, किसी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना है जो छोटा बच्चा है, तो उसके लिए भी वहां पर रूम होनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं और पिछले 20 सालों में इसमें कोई भी किसी भी तरह की फैसिलिटी दी नहीं गई है, यही हमारी मांग थी। और उसके बाद ये फैसिलिटी देते नहीं है, रोड मेंटेन करते नहीं है, फ्लावर्स मेंटेन करते नहीं, और उसके बावजूद जो टोल के फेयर्स में बढ़ोतरी होती जा रही। तो इसका मेन तो यही है ना कि इस पर पीडब्ल्यू मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सब जवाब दे। क्या ये फैसिलिटीज किसी और टोल प्लाजा पर आपको दिखी हैं, कहीं पर भी महाराष्ट्र में? कहीं पर नहीं दिखी। आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देखिए, आप देखिए कि हमें जब कहीं पर वॉशरूम जाना है तो हम फूड प्लाजा में जाते हैं जी, वहां पर फूड प्लाजा है क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो फूड प्लाजा में जाते हैं, लेकिन बीच में कहीं पर है तो वॉशरूम है ही नहीं, आप गाड़ी रोक नहीं सकते हो जी। यू नो हेमंत जी, राज साहब ठाकरे ने कहा, ठाकरे साहब ने कहा कि यू नो देयर इज नो इंटेंशन ऑफ आइदर देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नो अर्लियर उद्धव ठाकरे जी, जा टोल मुक्त करने के लिए, इनके सिर्फ आश्वासन थे।
राज साहब ने फर्दर रिमाइंड किया कि 2010 से हमारे आंदोलन जो चला उसके बाद करीबन 67 इलीगल जो टोल नाकास थे आप लोगों ने हटाए, यू डिड इट, आप लोग ने उसको इलीगल था उसको हटवा दिया, आज फिर आपका संघर्ष चल रहा है और टोल मुक्त होने तक ये संघर्ष रहेगा। द गवर्नमेंट कमिटमेंट, राज साहब डजंट बिलीव कि गवर्नमेंट में किसी लीडर में कोई ऐसा क्षमता है और कोई डिटर्मिनेशन है कि टोल मुक्त, सिर्फ जवानी है। हाउ यू गोइंग टू कैरी दिस बैटल हेमंत जी एंड तक, बिकॉज राज साहब तो क्लियर कट है कि टोल मुक्त चाहिए, चाहिए मिस चाहिए, आंदोलन में कितना आपको और करना पड़ेगा संघर्ष? प्रदीप जी, थोड़ा सा मैं इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूंगा। हम टोल मुक्त महाराष्ट्र कहते हैं तो जो आपकी पर्सनल व्हीकल्स है उसको फ्री करने की बात करते हैं। देखिए, जो मल्टी एक्सल व्हीकल है या कमर्शियल व्हीकल्स है, जो रोड्स बनते हैं तो रोड्स ही हेवी रोड्स की वजह से खराब होते हैं, तो उनके पास उनसे आप टोल वसूलिए। लेकिन जो हम यहाँ पर हमारी पर्सनल व्हीकल लेकर निकलते हैं तो उसके लिए क्या टोल की जरूरत है? उसका तो रोड टैक्स हमने पेड कर दिया ऑलरेडी, हम उससे कोई मतलब मुनाफा कमा नहीं रही है, ये तो हमारे पर्सनल यूज के लिए ना। जबकि कमर्शियल व्हीकल्स है वो बिजनेस करते हैं, तो मल्टी एक्सल व्हीकल, फिर बसेस हो या फिर कंटेनर्स हो, रेडीमिक्स या टेम्पो, बड़े टेम्पोज हो, आइसर या इसके जैसे, वहां पर आप टोल वसूलिए ना। लेकिन नॉर्मल पब्लिक जो 70% व्हीकल्स है वो तो आपकी पर्सनल व्हीकल जाती है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनी मनी फ्रॉम योर पर्सनल व्हीकल, यू आर जस्ट गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो दिस इज लाइक क्रेजी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को कहीं से कहीं जाना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली फॉर एग्जाम्पल से आई हैव टू गो फ्रॉम मुंबई टू नागपुर, हाउ मच डू यू थिंक आई हैव टू पे ऑन द रोड सर? हेमंत कामले साहब, मोर देन 3,000 रुपीज, मतलब 3,000 रुपए मुझे टोल देना पड़ेगा रास्ते में, अलग अलग रेट्स पे, अलग अलग टोल नाका पे 3,000 रुपए मिनिमम। देखिए, आज का कल का जो स्टेटमेंट है देवेंद्र फडणवीस जी का, जी उन्होंने कहा है कि जो भी हमने जो प्राइवेट व्हीकल्स है जैसे हमारी कार या इसके लिए हमने टोल माफ कर दिया, और जो भी उसका जो पैसा है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किटी से उनको जाएगा, टोल प्लाजा के ओनर्स को। ये स्टेटमेंट कितना गैर जिम्मेदाराना है। आपने इसके लिए कहां पर इसका अप्रूवल कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सदन में हुआ है? तो कितने गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया जाता है, कितने झूठ बोले जाते हैं। आप देखिए, मतलब एक बार आप एक बात कहेंगे फिर उस बात से मुकर जाएंगे। हेमंत जी, आपको गाड़ी में भर दिया विजुअल है, लुक एट दैट, दैट्स अ नाइस शर्ट बाय द वे। बट आई टेल यू व्हाट, आई स्टिल कांट फिगर दिस आउट, आई मीन दिस इज लाइक क्रेजी। Why do people have to do this? I mean, at the end of the day, you look at somebody like Hemant Kamble ji and people like him in the MNS. हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना ये लोग, सीधा सी बात है। लेकिन लड़ाई करने की जरूरत क्या होनी चाहिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे सबको दिख रहा है क्या हो रहा है यार, हेमंत कामले जी ये क्या है, मतलब ये जान करके they put blinkers in front of their eyes, blindfold लगा देते हैं अपनी आंखों के सामने, ये क्या है ये, मतलब आपको क्या लगता है, what could be the logic? देखिए राजीव जी, कैसे है ना कि जनता का जो आक्रोश है ना वो कहीं ना कहीं दब गया है, या जनता का आक्रोश अब बाहर नहीं निकलेगा। हमारे इंडिपेंडेंस की लड़ाई जब लड़ी गई थी तो जनता का आक्रोश बाहर निकला था। जब महात्मा गांधी कहते थे दांडी यात्रा में चलो तो लोग चलते थे उनके पीछे, सत्याग्रह करते थे। लेकिन अभी के जो पॉलिटिशियन है उनकी इमेज इतनी खराब हो चुकी है, जिस तरह से पिछले 3 सालों से या पिछले 7-8 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। कोई सच बात करने जाता है तो उसको जेल में डाला जाता है, उसको ईडी की इंक्वायरी लगती है, जो भी है। तो अब जो नॉर्मल पब्लिक, और उसके बाद ईडी के डर से बहुत से लोग इस पार्टी से उस पार्टी में, तो ये जो इनकी क्रेडिबिलिटी कहीं पर एक सवाल या निशान है जो पॉलिटिकल लीडर्स है। तो हम जो लड़ते हैं ना तो हम समाज, हम समझते कि आई एम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट्स आई एम इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। सिर्फ मेरी एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं, सिर्फ मुझे पता है कि इसका क्या अंजाम क्या रहा, लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं, कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी भी है कि भाई कुछ गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। हेमंत कामले जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, उसके बाद आप पूछ लीजिए जी, ये
सर ये नांदेड में और संभाजी नगर में जो ट्रेजेडी हुई, 40 के करीब लोग उधर मरे, 12 के 18 के करीब लोग उधर मरे, क्या आपको लगता है इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी कभी, और क्या इसको लेकर के ऑडिट होने के बाद हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो प्रॉपर स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ जो है, कंपाउंडर्स हैं, बाकी जो सपोर्ट स्टाफ होता है, क्या उसकी भर्ती होगी? हेमंत कामले जी, देखिए राजीव जी, हमारी जो ये कॉन्ट्रैक्ट सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी, ये कॉन्ट्रैक्ट सरकार है। तो इन्होंने जो हेल्थ सिस्टम है महाराष्ट्र की, कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पर रख दिया। देखिए पहले ये इंसिडेंट हुआ था थाना में, अब नांदेड़ में, तो हम तो कहते हैं ना कि इसकी मांग करने की मैं जरूर बात करूंगा हमारे पार्टी के आला कमान से, कि हम इसकी SIT इंक्वायरी की हम मांग करेंगे कि यहाँ पर ये जो दवाई है, जो सप्लाई होती है वो तो ठीक से है ना, इसको भी देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ये बनावट दवाई तो नहीं सप्लाई हो रही वहां पर। एक साथ इतने लोग मर कैसे सकते हैं? कोई चेंज नहीं चल रहा है, कोई कोरोना नहीं चल रहा है, कोई प्लेग नहीं चल रहा है, और अचानक से इतने लोग एक ही हॉस्पिटल में कैसे मर सकते हैं? प्रॉब्लम देखिए, इसकी SIT की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं, और जो यहाँ पर सत्ता में बैठे, विरोध में जो बैठे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, मतलब NCP का एक गुट सत्ता में बैठा है, एक गुट विरोध में बैठा है, शिवसेना का एक गुट सत्ता में बैठा है, एक गुट विरोध में बैठा है, और भारतीय जनता पार्टी तो बस ऐश कर रही है जी। लेकिन इनको जब वोट चाहिए, अब इलेक्शन आएंगे, वोट मांगने, ये हमारा तो सवाल यही रहेगा कि आपको वोट किसके लिए चाहिए, आपको पावर किसके लिए चाहिए? जब आप किसानों का भला नहीं कर रहे, आप मजदूरों का भला नहीं, आप विद्यार्थियों का नहीं कर रहे, ना महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ना किसी की बात करते हैं, ना आप ठीक से एजुकेशन दे पा रहे, ना हेल्थ सिस्टम को सुधार पा रहे, तो आपको वोट किसके लिए चाहिए, आपको पावर किसके लिए चाहिए? हमारा ये सवाल रहेगा। भले महाराष्ट्र की जनता, हम देखेंगे कितने साल तक हमें सत्ता से दूर रखेंगे, लेकिन ये सवाल तो हम पूछते रहेंगे इनको, और इसके लिए चाहे कितनी बार जेल जाना पड़े, कितने केसेस डाल दीजिए, कितने केसेस। हेमंत जी, नो हेमंत जी, द बिगेस्ट चैलेंज आपके सामने है कि कैसे आप, कैसे ये जो हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं इसको सीट्स में कन्वर्ट करें, कॉर्पोरेशन में, असेंबली में, और आगे जाके लोकसभा में। इसके लिए आपको हर कैंडिडेट्स को ऑलरेडी आपको इलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपने लिस्ट बनाना पड़ेगा। बिकॉज राज साहब का अर्लियर जो राज साहब ठाकरे जी का पहले इंटरव्यूज में सुना हूं, जहां कभी मुंडे जी थे तो आके बोलते राज हमारा कराया था युद्ध करा, फिर चले जाते थे, फिर गडकरी जी आके बोलते थे राज हमारा कराया था, और फिर आप रुक जाते थे कि हाँ संगठन एकत्र हम लोग लड़ना है वगैरह वगैरह। तो अभी हम लोग मीन्स पूरे शायद इतने संघर्ष के बाद सब लोग यही चाहे कि किसी पर विश्वास न करके आपके खुद के बल पे पूरे इलेक्टेड लिस्ट बना के आगे चलकर विदाउट हैविंग एनी अलायंस फाइट करना, बिकॉज आप धोखा खा चुके हैं बहुत जगह से। तो इसके लिए क्या तैयारी हो रहा है, बिकॉज टू कन्वर्ट दिस इनटू सीट्स? कामले साहब, प्रदीप जी देखिए, अभी हमने करीबन 20 ऐसे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी है जहां पर हमारे जो ऑब्जर्वर है वो वहां पर रिपोर्ट बना रहे, वहां का एग्जैक्ट रिपोर्ट राज साहब को पेश कर रहे। तो फिलहाल हमारी मीटिंग चल रही है, कल भी हमारे नॉर्थ मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी की करीबन 4 विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मीटिंग्स थे, मैं खुद वहां पर था। तो हम ये रिपोर्ट्स बना रहे, तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में 48 सीट जो महाराष्ट्र के, हम सब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और हमारे अकेले बलबूते पर हम करेंगे, हम हमारे अकेले के दम पर हम ये लड़ेंगे। हमारे कैसे अभी तक तो हमारा किसी से अलायंस नहीं, किसी से, और अलायंस करेंगे तो किस से करेंगे? जो भी आप देख रहे हो, कौन दूध से धुला हुआ है? हमने जो हमारा रोल है, जो हमारी भूमिका है, हम लोगों के पास लेके जाएंगे। हम देखना है हमें भी कि लोगों को सच बोलने वाले पसंद है या ये झूठे वादे करने वाले पसंद है। तो आने वाले इलेक्शन, अभी फिलहाल तो लोकसभा की हमने राज साहब ने ही घोषणा कर दी कि भाई हम 48 सीट्स है, हम हमारे बलबूते पर लड़ेंगे। फिर आने वाले विधानसभा हो या कॉरपोरेशन हो, ये तो लोकसभा की बात, हम वो भी देखेंगे, उसका भी जायजा लेंगे। तो हमारी फिलहाल तो तैयारी अकेले दम पर लड़ने की है,
and there is no such alliance with any party right now. And I think you do best when you fight alone. Let's be very clear. People don't expect you to be in an alliance. Yeah. We wish you all the best. You're doing a wonderful job. Your leader is doing a wonderful job. We really and truly wish him all the best. Thank you very much. Thank you. Kamalji, namaskar. Namaskar. Jai Maharashtra. Jai Maharashtra. Jai Hind. Jai Maharashtra. Jai Bhavani. Jai Shivaji. Jai Bhavani. Thank you. Well, he just came out of police custody and he's joined us on the show. I think that's wonderful. That is really, sir, really if wonderful. If you see, sir, Manse is actually everywhere. You talk about Mithi River, they have been giving you fantastic answers. You talk about road scams, they're giving you fantastic answers with details. Fantastic details. Every MNS spokesperson from Chile to Mr. Kamle, to Khere, everybody who comes to the show gives you fantastic to Mr. detailed Nayak. Answers for every scam and everything that civic issues or state issues or don't forget the best bus contractors. Bilkul, and so sir. On. Yes, yes, yes. So it is only it's a matter of time to matter of time and you fit yourself that ye hard work ko kaise seats mein convert karna. That's right. And determine that you're not going to fall prey to any senior leaders of other parties telling you that we'll come for an alliance, we'll do an alliance. I think Raj Thackeray ji has suffered because of that. I think he will fight alone. And you know, when you earlier interviewed him, when Gopinath Munde ji was alive, you know, people used to go and meet him and say, we have to fight together. Then Raj Sahib himself told you, फिर मुंडे जी चले गए, फिर गडकरी जी आए, बोले हमको साथ में लड़ना है और आखिर तक वेट करते रहे और तो और छोड़िए, उद्धव ठाकरे जी ने भी बोला इकट्ठे लड़ना है। yes, yes, yes. और आखिर तक उन्होंने कहा कि भाई अपना कैंडिडेट अनाउंस मत करना। yes, yes, और yes, उनके जाने बगैर, उनकी इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, जानकारी के बिना अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। खैर, ही हैज सफर्ड, आई होप ही हैज लर्नड हिज लेसन, ही हैज टू फाइट अलोन, दैट्स इट एट द मोमेंट विद अस आवर